सुप्रभात बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो कोई कहानी या संस्मरण नहीं है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़ी अत्यंत आवश्यक वस्तु से संबंधित है, जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं उस वस्तु का नाम? जी हाँ, पानी। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा पाठ 4, पानी की खोज। भोर का समय था, दूर से उड़कर आता एक रॉकेट टीना की घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। रॉकेट का दरवाजा खुला, एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। टीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई, लेकिन टीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। क्या हुआ? भोर का समय था, भोर अर्थात सुबह सुबह, प्रातः काल का समय, जब सूर्य उदित होने वाला होता है, जब सूर्योदय होने वाला होता है, उसको हम कहते हैं भोर का समय। तो भोर के समय दूर से उड़कर आता एक रॉकेट। रॉकेट अर्थात जैसे हम एक देश से दूसरे देश जाने के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए ट्रेन का, बसेस का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। रॉकेट अर्थात अंतरिक्ष यान, जिसमें हम अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं। तो ऐसा ही एक रॉकेट टीना के घर की छत पर उतरा। टीना गहरी नींद में सो रही थी। सुबह सुबह अच्छी नींद आती है ना, मीठी मीठी नींद आती है, ऐसा लगता है अब उठना ना पड़े। तो टीना भी ऐसी ही मीठी नींद में सो रही थी कि अचानक रॉकेट का दरवाजा खुला, और जैसे हम हवाई जहाज से जब उतरते हैं तो हम सीढ़ी की मदद से उतरते हैं, पहले सीढ़ी आती है फिर हम नीचे उतरते हैं, वैसे ही सीढ़ी की मदद से एक अजीब सा प्राणी, यानी विचित्र, जो हमारे जैसा नहीं था, हमसे बहुत अलग था, ऐसा एक प्राणी छत पर उतरा। उसने टीना को जगाया। जागो जागो बिटिया। तो टीना ने जैसी आवाज सुनी तो टीना ने अपनी आंखें खोली और सामने एक अजीब से विचित्र प्राणी को देखकर चौंक गई। चौंक तो गई लेकिन घबराई नहीं, डरी नहीं, क्योंकि वो बहुत बहादुर थी। मैं जीतो हूं, बहुत दूर बसे ग्रह से आया हूं, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, क्या तुम साफ पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी, टीना उत्साह से बोली। टीना जीटो के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो जीटो बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है, लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। क्या हुआ, जीटो ने क्या कहा? जब टीना जाग गई तो जीटो ने उससे कहा कि मैं बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूं और मुझे क्या चाहिए? शुद्ध पानी चाहिए। तो उसने पूछा कि मुझे शुद्ध पानी चाहिए है, क्या तुम पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? तो उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर करूंगी। और वो क्या किया उसने, टीना जीटो के साथ रॉकेट में बैठ गई और उसने उसको पास की एक झील में लेकर के गई। तो वहां उसने क्या देखा कि कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे थे जो पानी में खेल रहे थे। तो जैसे ही वो झील के पास पहुंचे और जीटो ने देखा तो जीटो ने कहा, नहीं, ये पानी तो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, तो साबुन से हानिकारक रसायन निकलते हैं, हानिकारक मतलब नुकसानदायक, और रसायन अर्थात द्रव्य पदार्थ, तरल पदार्थ जो उससे निकलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, पानी को अशुद्ध कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, इसलिए ये पानी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसको तो शुद्ध पानी चाहिए था। अब टीना ने जीटो को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर जीटो ने पानी की जांच की, फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा खुचा बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं, इसी से ये नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है, यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। टीना ने क्या किया फिर, जब झील में काम नहीं बना, जीटो का उसके मन का पानी नहीं मिला, शुद्ध पानी नहीं मिला, तो उसने क्या किया, एक नदी पर लेकर गई। नदी पर पहुंचकर जीटो ने क्या किया, जैसे ही पानी की जांच की
तो उसने क्या देखा और आसपास उसको क्या दिखे? वहां पर नदी के आसपास कुछ कारखाने थे। तो उसने कहा कि ये कारखानों का बचा हुआ पानी इस नदी में आकर मिल जाता है और ये इसके पानी को कैसा कर देता है? बेकार कर देता है और जहरीला बना देता है। इसलिए ये पानी भी मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हम जो उसका गंदा पानी, कारखाने का जो गंदा पानी निकलता है, वो अगर हम पी लेंगे तो क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा जहरीले रसायन से भरा हुआ है। टीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहां कहां मिल सकता है। उसे याद आया कि एक बार जब वह गांव गई थी तब उसने एक कुआं देखा था। वह जीटो को पास के गांव में ले गई। जीटो ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा था, जीटो ने कहा। यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन वाला कहां से आए? टीना ने हैरानी से कहा। अब टीना ने क्या किया, जब झील पर भी बात नहीं बनी और नदी पर भी बात नहीं बनी तो उसने क्या सोचा? उसने सोचा कि अब मैं जीटो को और कहां ले जा सकती हूं। तो उसको याद आया कि पिछली बार जब वो गांव गई थी तो उसने कुआं देखा था, तो वो जीटो को कुएं पर लेकर गई। और जब जीटो ने कुएं के पानी को भी जांचा, जांचा मतलब उसको भी परखा, उसने उसकी भी जांच की कि पानी शुद्ध है या नहीं है, तो उसने क्या पाया जीटो ने? ये वहां का पानी भी, कुएं का पानी भी कैसा था? रसायनों से भरा था, यानी हानिकारक पदार्थों से भरा हुआ था। तो टीना को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि ये तो धरती के अंदर का पानी है, ये तो जमीन के अंदर से आया है। कुएं में पानी जो आता है वो जमीन के अंदर से आता है। तो उसने पूछा कि ये तो जमीन के अंदर का पानी है, इसमें रसायन कहां से आएंगे? तो जीटो ने क्या दिया उत्तर? धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है, जीटो ने बताया। इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है, इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हुई हैं। अब तक टीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि साफ पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहां से मिला करेगा? क्या हुआ? अब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब उसने पूछा कि भाई ये पानी जो कुएं का पानी है वो तो धरती के अंदर से आया, अब ये कैसे भला गंदा हो गया या ये कैसे अशुद्ध हो गया? तो जीटो ने उसको समझाया कि भाई धरती के अंदर का पानी भी तो कहां से पहुंच रहा है, धरती के अंदर पानी कहां से जा रहा है? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के ऊपर ये जो बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है वही रिस करके यानी धरती के अंदर समा जाता है। धीरे 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 करके यही पानी तो जमीन के अंदर जाता है। तो अगर जमीन के ऊपर ही रसायन बिखरे हुए पड़े हैं, अगर हानिकारक पदार्थ बिखरे हुए पड़े हैं, तो वो सब क्या होंगे? उसमें घुल करके और जमीन के अंदर पहुंच जाएंगे, यानी पानी भी खराब होगा और जमीन भी खराब होगी। तो उसने यही बताया कि इसमें रसायन मिले हैं और कैसे रसायन मिले हैं। उसने क्या बताया कि ये किसी खेत से रिसकर आया हुआ पानी लगता है, क्योंकि इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हुई हैं। तो टीना बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा, उसने पूछा उससे, जीटो से, कि मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए साफ पानी कहां से मिला करेगा, मतलब मैं कहां जाऊं ढूंढने के लिए? तो जीटो ने बताया, बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को साफ किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, टीना आश्चर्य से बोली, हाँ बिल्कुल। सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन उपाय क्या है? टीना चिंतित थी। जीटो ने क्या बताया? जब टीना ने पूछा कि भाई साफ पानी या शुद्ध पानी हमें कहां से मिलेगा, तो जीटो ने बताया कि आजकल बड़ी बड़ी मशीनों से नदियों और झीलों का ये जो गंदा पानी है, जो रसायन युक्त पानी है, इसको साफ किया जाता है। जैसे उनमें क्लोरीन मिलाकर या फिटकरी, जैसे हम घर में पानी साफ करना होता तो फिटकरी मिलाकर साफ करते हैं ना, ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीनों में तरह तरह के केमिकल्स मिलाकर या रसायन मिलाकर के और उस पानी को साफ किया जाता है। और फिर वो साफ पानी नलों के द्वारा घरों में, कार्यालयों में और वापस कारखानों में भेजा जाता है। तो जीटो ने बताया कि इस एक गिलास पानी को बनाने में, यानी शुद्ध पानी को बनाने में,
बहुत मेहनत भी लगती है और समय भी लगता है। तो टीना को यह सारी बात सुनकर के बहुत आश्चर्य हुआ, उसको नहीं मालूम थी ये सारी बातें। तो उसने बोला, किसने? जीटो ने कहा कि बिल्कुल, सोचो अगर कि तुमको एक पूरा दिन पानी ना मिले तो क्या तुम रह सकती हो? तो टीना ने क्या कहा, नहीं मैं पानी के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती, लेकिन अब इसका क्या उपाय है? अब टीना क्या हो गई, चिंतित हो गई, सोच में पड़ गई। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है, लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। क्या कहा जीटो ने? जीटो मुस्कुराया, टीना की परेशानी देखकर, उसको सोच में पड़ा हुआ देखकर, चिंतित देखकर मुस्कुराया और क्या बोला कि तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए, यानी हम जब भी पानी का उपयोग करें तो हम सावधान रहें, हम सोच समझकर उसका उपयोग करें, हमेशा ये सोचें कि हम कहीं उसको बर्बाद तो नहीं कर रहे, हमारी वजह से पानी जो है वो बेकार तो नहीं हो रहा है, जितना हमको जरूरी है उतना ही उपयोग करें। क्योंकि बार बार हम सुनते हैं ये चीज कि जल ही जीवन है, और क्यों जीवन है? क्योंकि सभी को जल चाहिए, पशु पक्षियों को भी जरूरत होती है, पौधों को भी जरूरत होती है ना, और हमको तो होती ही होती है जरूरत। तो इसीलिए पानी सभी के लिए आवश्यक है, इसलिए हमको इसको बहुत सोच समझ करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और क्या कहा जीटो ने कि मनुष्य क्या कर रहा है, पानी को गंदा कर रहा है। कैसे गंदा कर रहा है? तरह तरह से उसका इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके, कपड़े धोने में, यानी अनावश्यक रूप से इस्तेमाल। अगर हमको एक गिलास पानी की जरूरत है तो हम उसमें चार गिलास पानी क्यों बेकार करें? अगर हम ब्रश कर रहे हैं या हम अगर मुंह धो रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, तो मंजन करते समय हमको नल बंद रखने चाहिए, उसको बहता नहीं छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम बहुत सारे तरीके हैं कि हम पानी को बचा सकते हैं। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या मतलब? क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? टीना ने चौंक कर पूछा। क्या कहा जीटो ने? कि पूरा सौरमंडल, पूरे सौरमंडल में सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल कैसे मिलता, आसानी से मिलता है। बाकी सारे ग्रहों में तो अलग अलग रूप में पाया जाता है, किसी में बर्फ के रूप में होता है, किसी में भाप के रूप में होता है, अलग अलग तरह से पानी पाया जाता है, तो आसानी से नहीं मिलता। सिर्फ हमारी पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी आसानी से मिलता है। तो उसने बताया कि जब मुझे किसी ग्रह पर जाना होता है तो मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक पृथ्वी से, यहाँ के शुद्ध पानी से भर लेता हूँ और फिर आगे जाता हूँ। तो टीना को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुमको पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? अभी तक वो क्या सोच रही थी कि उसको, जीटो को पीने के लिए पानी चाहिए। फिर जीटो ने बताया, नहीं, साफ पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है। जीटो ने बताया, रॉकेट वापस टीना की छत पर पहुंच गया। टीना उतर आई पर वह उदास थी कि वह जीटो की मदद नहीं कर सकी। जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया। क्या किया जीटो ने बताया कि नहीं, मेरा तो रॉकेट जो है वो साफ पानी से चलता है, शुद्ध पानी से चलता है। और तब तक रॉकेट क्या हो गया था, वापस टीना की छत पर पहुंच गया था। टीना उतर आई, टीना रॉकेट से उतर गई, पर वो कैसे थे, उदास थी। क्यों उदास थी? क्योंकि वो जीटो की मदद नहीं कर पाई थी, जीटो को शुद्ध पानी नहीं दे पाई थी, इसलिए वो उदास थी। और जीटो ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं कहाँ जा रहा हूँ साफ पानी लेने के लिए, अंटार्कटिका जा रहा हूँ। अंटार्कटिका क्यों? क्योंकि वहां ना तो कोई कारखाने हैं, ना मनुष्य हैं, तो वहां का पानी कैसा है, शुद्ध है, इसलिए साफ पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। पर तुम याद रखना, किसको कहा उसने, टीना को कहा कि तुम याद रखना, तुम हर बार शुद्ध या साफ पानी लेने के लिए अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी, इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि पानी का आपको सदुपयोग करना है। और रॉकेट
ऊपर उठा और धीरे धीरे करके, जैसे हवाई जहाज ऊपर उठता है और धीरे धीरे करके छोटा 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 होते होते, वैसे ही जीटो को रॉकेट भी ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में गुम हो गया। यह पाठ हमें पानी के महत्व को बताता है और सोचने पर मजबूर करता है कि यदि हमने अब भी पानी का संरक्षण नहीं किया और अपनी आदतों में सुधार नहीं किया तो हमें एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों, पानी का इस्तेमाल जब भी करें सोच समझ कर करें। धन्यवाद।